रहमान रहीम, टुडेस टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ ओरल रीजन। तो ओरल रीजन के अंदर हमने आज क्या क्या पढ़ना है? हमने आज टीथ के बारे में पढ़ना है, इसके साथ सॉफ्ट पैलेट, हार्ड पैलेट, और हमने पढ़ना है मसल्स। इसके बाद टंग, टंग के मसल्स को पढ़ लेना है और टंग की नर्वेशन को देख लेना है। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अब जो टीथ वाला टॉपिक है, टीथ वाला टॉपिक MBBS स्टूडेंट के लिए वैसे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि इस टॉपिक को BTS वाले ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। तो MBBS स्टूडेंट के लिए क्या क्या याद रखना पड़ेगा हमको, तो मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या क्या याद रखना है, तो पहले टीथ के फंक्शन क्या होते हैं। टीथ का पहला फंक्शन है मास्टिकेशन, दूसरा होता है कि ठीक है, दूसरा जो प्रोटेक्शन ऑफ द टिश्यू, जैसे उनको सपोर्ट करते होती हैं, जैसे मैक्सिलरी बोन, मैंडिबुलर टीथ के टिश्यू, तीसरा आर्टिकुलेशन के अंदर परफॉर्म करना। अब जो टीथ के जो पार्ट्स होते हैं, टीथ के पार्ट्स, ठीक है, वो आपको आने चाहिए। तो टीथ के आपको टीथ के पार्ट्स नहीं बल्कि टीथ के सर्फेसिस का पता होना चाहिए। तो टीथ की सर्फेस आपको नजर आ रही होगी, ये इंसाइजर टीथ है और ये मोलर टीथ है, ठीक है। तो टीथ के आपको सबसे ऊपर आपको सुपीरियरली आपको एक ओक्लूसल सर्फेस नजर आती होगी, ठीक है। ओक्लूसल सर्फेस का मतलब ये ओक्लियन करती होती है। ओक्लियन का मतलब होता है अपर सेट ऑफ द टीथ लोअर सेट ऑफ द टीथ के साथ इंटर डिजिटेट हो जाए, जैसे ये अपर टीथ है और ये लोअर टीथ है, तो आपस में ये इंटर डिजिटेट होते हैं, तो उसको बोलते हैं ओक्लूसल सर्फेस, ठीक हो गया, जो ओक्लियन प्रोवाइड करती है, ओके। या इसको मास्टिकेटरी सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, मास्टिकेटरी सर्विस, क्योंकि इसने मास्टिकेशन परफॉर्म करानी है। इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कॉन्टैक्ट सर्विस, कॉन्टैक्ट सर्विस ये वो सर्विस है जिसकी वजह से टीथ आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, जैसे इसकी ये कॉन्टैक्ट सर्विस होगी जिसकी वजह से एडजेसेंट टीथ आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते हैं, तो ये वाली कॉन्टैक्ट सर्विस नज़र आ रही है आपको, ठीक होगा। और इसके साथ साथ हम ये भी कह सकते हैं मीजियल सर्विस, मीजियल सर्विस वो सर्विस जो मीडियन प्लेन की काफ़ी ज़्यादा पड़ी हुई होती है, जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा मीजियल सर्विस मीडियली और डिस्टल सर्विस लैटरली या अभी नज़र आती है। इसके साथ वो सर्विस जो बाहर की तरफ होती है तो उसको बोलते हैं बक्कल या वेस्टिब्युलर, क्योंकि चीक्स या वेस्टिब्यूल बाहर की तरफ होती है, जबकि पैलेट या लिंगुअल अंदर की तरफ होती है, जबान अंदर की तरफ होती है, तो भी सर्फेस को बोलते हैं पैलेटल। तो पीछे वाली पैलेटल या लिंगुअल सर्फेस आगे वाली होगी बक्कल या वेस्टिबुलर, जो मीडियल प्लेन की तरफ होगी मीडियली होगी तो उसको बोलेंगे मीजियल, जो लैटरली होगी तो उसको बोलेंगे डिस्टल, और जो आपको साइड पर सर्फेस नज़र आ रही होगी जहाँ पर आपको जो असल में जो मीजियल और डिस्टल सर्फेसिस होती हैं तो उनको कॉन्टैक्ट सर्फेस बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं सर्फेसिस के जरिए टीथ आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट करते होते हैं। और सबसे सुपीरियर सर्फेस उसको बोलते हैं ओक्लूसल या मास्टिकेटरी सर्फेस, क्योंकि इसी सर्फेस के जरिए टीथ आपस में इंटर डिजिटेट करते हैं, और इसको मास्टिकेटरी सर्फेस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये मास्टिकेशन के अंदर इन्वॉल्व होती है। अब ये आपको नजर आ रहा होगा ये पैलेट है, यानी ये ओरल कैविटी की रूफ, और ये फ्लोर, ये ओरल कैविटी या माउथ का फ्लोर नजर आ रहा होगा। तो जो मैक्सिलरी टीथ इनको सप्लाई करने वाली मैक्सिलरी नर्व होती है, और मैंडिबुलर टीथ इसको सप्लाई करने वाली मैंडिबुलर नर्व होती है। और आपको पहले से पता होगा कि जो टीथ होती है वो चार वेराइटी के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर शेप। पहले जो दो इंसाइजर्स होते हैं जिनका थिन कटिंग एज होते हैं, एक सेंट्रल इंसाइजर, लैटरल इंसाइजर, उसके साथ एक काफ़ी ज़्यादा सिंगल प्रोमिनेंट कोन वाले केनाइंस होते हैं, दो बाइकस्पिड वाले प्रीमोलर्स, और जो तीन कस्प वाले होते हैं तो वो होते हैं मोलर्स। तो तीन मोलर्स, दो प्रीमोलर्स, इसके साथ आपको एक केनाइन और दो इंसाइजर्स, इंसाइजर्स एक सेंट्रल इंसाइजर और लैटरल इंसाइजर। तो अगर हम लोअर टीथ या मैंडिबुलर टीथ की बात करते हैं तो मैंडिबुलर टीथ को सप्लाई करने वाली नर्व होती है मैंडिबुलर नर्व। अब मैंडिबुलर नर्व की तीन सारी ब्रांचेस होती हैं, तो आपको एक बात का आपने ख्याल रखना है कि जो लेफ्ट साइड पर जो दिया हुआ है वो गम्स की नर्वेशन बताई हुई है, ठीक है, जिंजिवे की, और जबकि राइट साइड पर जो दी हुई है वो टीथ की दी हुई है। तो पहले हम राइट वर्ड बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखना कि जो इंसाइजर और केनाइन दोनों को सप्लाई करने वाली होती है इंसाइजिव ब्रांच ऑफ इन्फीरियर एल्वियोलर, जबकि प्री मोलर और मोलर को सप्लाई करने वाली डेंटल ब्रांचेस। इन शॉर्ट जो लोअर टीथ होते हैं मैंडिबुलर टीथ, इनको सप्लाई करने वाली इन्फीरियर एल्वियोलर होती है। हाँ, प्री मोलर और मोलर को सप्लाई करने वाला डेंटल प्लेक्सस, और इंसाइजर केनाइन को सप्लाई करने वाला इंसाइजिव ब्रांच, जबकि फ्लोर ऑफ द माउथ और एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग और इन्फीरियर लिंगुअल जिंजिवा, इन तीन जगह से इनर्वेशन लेती है लिंगुअल नर्व। तो लिंगुअल नर्व का आपने MCQ में आ सकता है कि कान कहाँ से नर्व फाइबर या सेंसरी इन्फॉर्मेशन लेती है, फ्लोर ऑफ माउथ से, तो आपको नजर आएगा फ्लोर ऑफ माउथ, इसी के साथ इन्फीरियर लिंगुअल जिंजिवे, और साथ में जो एंटीरियर टू थर्ड ऑफ द टंग वहाँ पे भी जनरल सोमैटिक सेंसेशन लेती है। अगर हम बात करते हैं गम्स की इनर्वेशन की, तो यहाँ पे भी इन्फीरियर एल्वियोलर डोमिनेट हो रही है, तो यहाँ पे इन्फीरियर एल्वियोलर ये इंसाइजर को, केनाइन को और प्रीमोलर को सप्लाई करती है, इनकी स्पेसिफिकली मेंटल ब्रांच, जबकि जो मोलर के जो गम्स होती है तो मोलर के जिंजिवे को सप्लाई करने वाली बक्कल ब्रांच, ये भी मैंडिबुलर नर्व की ब्रांच होती है। तो ये लोअर टीथ का तो समझ आ जाता है। अब हम बात करते हैं अपर टीथ का, अपर टीथ का वंस अगेन यहाँ पे भी आपको नजर आ रहा होगा जो पैलेट होती है, पैलेट या ओरल कैविटी का रूफ, इसको सप्लाई करने वाली दो नर्व्स होती है, एक होती है ग्रेटर पैलेटाइन और नेजो पैलेटाइन। नेजो पैलेटाइन सबसे एंटीरियर मोस्ट पोर्शन को सप्लाई करती है सुपीरियर लिंगुअल जिंजिवे को, जबकि लैटरल और इसके पोस्टीरियर पोर्शन को सप्लाई करने वाली ग्रेटर पैलेटाइन नर्व। अब जो हम टीथ की बात करते हैं तो ये आपको नजर आ रहा होगा ये वाली,
ये है दो इंसाइजर, एक केनाइन, ये है प्री मोलर, एक मोलर। तो इंसाइजर को सप्लाई करने वाली एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर होती है, ठीक है, एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर। उसी के साथ साथ एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर ना सिर्फ इंसाइजर को बल्कि पेरियोडेंटल लिगामेंट को भी, एल्विलर प्रोसेस को भी, टीथ की पल्प को भी सप्लाई करती है। तो आपने इन तीन चीज़ों को अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जो मिडल सुपीरियर एल्विलर है, इसने सप्लाई करना है प्री मोलर को, और मोलर को सप्लाई करने वाली पोस्टीरियर सुपीरियर एल्विलर। तो बहुत ईजी सा है, जो सामने वाले है एंटीरियर, जो दरमियान वाली है मिडल, और जो सबसे पीछे है वो है पोस्टीरियर सुपीरियर एल्विलर। सेम इज़ अ केस फॉर गम्स। तो गम्स के जो मोलर वाले होते हैं तो उनको सप्लाई करने वाला पोस्टीरियर सुपीरियर एल्विलर, जबकि दरमियान में मिडल सुपीरियर एल्विलर, लेकिन यहाँ पे इंफ्रा ऑर्बिटल भी आ जाता है। इंफ्रा ऑर्बिटल फर्स्ट प्री मोलर को और सेकंड प्री मोलर को, मिडल सुपीरियर एल्विलर। और जबकि अगर हम इंसाइजर की बात करते हैं, इंसाइजर और किनाइन के, तो सेंट्रल इंसाइजर को सप्लाई करने वाली होती है, हम कह सकते हैं एंटीरियर सुपीरियर एल्विलर, जबकि इंफ्रा ऑर्बिटल ये लैटरल इंसाइजर और किनाइन को सप्लाई करती है। तो ये अपना, ये आपने पूरा ये डायग्राम को अच्छे से तैयार करना है, यही से एमसीक्यू आ सकता है। और टीथ में कोई भी इतना ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती। अगर हम पैलेट की बात करते हैं तो पैलेट की, तो जो पैलेट है तो पैलेट में जो इंपॉर्टेंट चीज़ आपको आपने करनी है वो होते हैं पैलेट के मसल्स। तो पैलेट के मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैलेट के मसल्स एग्जाम में आ चुके हैं पहले भी, जो इस साल जो प्रॉफ हुआ था सेकेंड ईयर का, उसमें भी ये पैलेट के मसल्स आए थे। तो पैलेट के मसल्स में आपने पहले मसल्स के नाम याद रखने हैं, कौन कौन से होते हैं, टेंसर वलाई पैलेटिनी, लिवेटर वलाई पैलेटिनी, पैलेटोग्लोसिस, पैलेटोफ्रेंजियस और मस्कुलस यूबिलस। अब इन चारों में से, इन पांचों में से एक मसल ऐसा है जो टंग के साथ भी एसोसिएटेड होता है, मतलब वो सॉफ्ट पैलेट का मसल भी है और टंग का मसल भी है, तो उसका नाम है पैलेटोग्लोसिस। और इसमें से एक मसल ऐसा है जिसकी इनर्वेशन फेरेंजियल प्लेक्सस ऑफ वेगस से नहीं आती, क्योंकि जो सॉफ्ट पैलेट के मसल्स होते हैं उनको सप्लाई करने वाली नर्व होती है वेगस, और वेगस एक फेरेंजियल ब्रांच देती है। वो फेरेंजियल ब्रांच ऑफ ग्लॉसोफेरेंजियल नर्व के साथ मिलकर फेरेंजियल प्लेक्सस बनाती है, और ये फेरेंजियल प्लेक्सस मिडल कॉन्स्ट्रिक्टर के ऊपर पड़ा हुआ होता है। तो ये फेरेंजियल प्लेक्सस इन चार मसल को सप्लाई करता है, लेकिन एक मसल को सप्लाई नहीं करता, ये इंपॉर्टेंट है, वो है टेंसर विलाई पैलेटिनी, ठीक है, टेंसर विलाई पैलेटिनी। अब आपने इनके जो इनके एक्शन को देखना है, टेंसर विलाई पैलेटिनी, टेंसर का मतलब टेंस करना, तो ये सॉफ्ट पैलेट को टेंस करता होता है, और चूंकि इसका कुछ अटैचमेंट होती है फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब के कार्टिलेज पर, तो ये फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब को ओपन कराता होता है, कब, स्वेलिंग में और यानिंग में, क्योंकि फ्रेंजियो टिम्पैनिक ट्यूब या यूस्ट्रेशियन ट्यूब या ऑडिटरी ट्यूब, इसका मेन फंक्शन होता है कि जो मिडिल ईयर का जो प्रेशर है उसका एक्सटर्नल प्रेशर के साथ बैलेंस करना। तो जो स्वेलिंग में और यानिंग में प्रेशर को इक्वलाइज करने के लिए ये ट्यूब ओपन होती है, और ट्यूब ओपन कराने वाला जो मसल होता है उसको बोलते हैं टेंसर विलाई पैलेटिनी। जो लिवेटर विलाई पैलेटिनी है उसका फंक्शन है एलिवेट करना, नाम से लग रहा है कि लिवेटर, एलिवेट करने वाला, ठीक है। पैलेटोग्लॉसस, पैलेटोग्लॉसस टंग पे इंसर्ट होता है, तो स्पेसिफिकली टंग के पोस्टीरियर पार्ट पर, तो उसने टंग के पोस्टीरियर पार्ट की एलिवेशन करा देनी है, और इस सॉफ्ट पैलेट को टंग के ऊपर ड्रॉप कर देता है, जिसके वजह से जो फूड होती है, ठीक हो गया, स्वेलिंग में जो फूड होती है वो सॉफ्ट पैलेट के अंदर या नेजल कैविटी के अंदर नहीं जाती। पैलेटोफेरेंजियस, पैलेटोफेरेंजियस का फंक्शन होता है सॉफ्ट पैलेट को टेंस कर देना, जैसा टेंसर विलाई पैलेटिनी का था। और इसका आपने फंक्शन को इस तरह से याद रखना है, एक आपने नाम याद रखना है सैम, सैम का मतलब होता है एसिडिनोसैन मैथ्यूनिन। तो जो पैलेटोफेरेंजियस ने जो फाइनिंग्स की वाल होगी उसको आपने सुपीरियरली, एंटीरियरली और मीडियली पुल करना है, तो आपने सैम से इसको याद करना है कि इसकी एलिवेशन किस तरह से होती है, सुपीरियरली, एंटीरियरली और मीडियली। जबकि मस्कुलस यूविलस इसका मेन फंक्शन है यूवोला होता है, जो दरमियान में एक वो, ठीक है, दरमियान में जो हैंग आउट हो रहा होता है यूवोला, जो आपको नजर आ रहा होगा ओरल कैविटी में, तो उसको बोलते हैं यूवोला। और यूवोला जो मसल बनाता है मस्कुलस यूवोलस, तो ये यूवोला का शॉर्ट कर देना और उसको ऊपर की तरफ खींच लेना। इन शॉर्ट जो सॉफ्ट पैलेट का मेन, सॉफ्ट पैलेट के मसल्स हैं, इनका मेन एक्शन है कि जब स्वेलिंग हो रही होती है तो जो फूड होती है वो टंग से फायरिंग्स के अंदर जाए, वो टंग से नेजल कैविटी के अंदर ना चले जाए, क्योंकि नेजल कैविटी और फायरिंग्स आपस में कम्युनिकेट करते होते हैं पोस्टीरियर नेजल अपर्चर के जरिए, जिसको बोलते हैं क्वाने। तो सॉफ्ट पैलेट की मसल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर दूसरी तरफ बात करता हूँ टंग के मसल, तो टंग के मसल्स भी एग्जाम में आते हैं। जो टंग के मसल्स होते हैं वो दो टाइप के मसल्स होते हैं। कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो टंग के अपने होते हैं, वो टंग का मेन बल्क बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं इंट्रिंसिक मसल। और कुछ मसल ऐसे होते हैं जो कहीं और से ओरिजिन लेके आते हैं, टंग के ऊपर इंसर्ट होते हैं, तो उनको बोलते हैं एक्सट्रिंसिक मसल। तो चार एक्सट्रिंसिक और चार इंट्रिंसिक। तो जो एक्सट्रिंसिक मसल है उसके अंदर आपने जीनियोग्लॉसस, हायोग्लॉसस, स्टाइनोग्लॉसस और पैलेटोग्लॉसस को तैयार करना है, जबकि इंट्रिंसिक मसल के अंदर आपने सुपीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडिनल, ट्रांसवर्स और वर्टिकल, ठीक है,
अब आपने एक बात नोट की है कि जो एक्सट्रेंसिक मसल है, इनका नाम इस वजह से दिया गया है इनके अटैचमेंट की बेस पर, वो जो इंट्रेंसिक मसल है इनका नाम इसलिए दिया गया है इनकी शेप के ऊपर कि सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल है, ट्रांसवर्स वर्टिकल। वंस अगेन आपने इनके एक्शन को तैयार करना है कि जीनियोग्लॉसिस का फंक्शन क्या होता है, हायोग्लॉसिस का, स्टाइलोग्लॉसिस का और पलाटोग्लॉसिस का। इसी तरह सुपीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इंफीरियर लॉन्गिट्यूडनल, इनका भी आपने एक्शन तैयार करना है। इनकी डिस्टल और प्रॉक्सिमल अटैचमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनकी इनर्वेशन ज़रूर आती है। तमाम टाइम के मसल को सप्लाई करने वाली नर्व होती है हाइपोग्लॉसल नर्व, लेकिन एक मसल को सप्लाई नहीं करती, वो होती है पलाटोग्लॉसस, क्योंकि पलाटोग्लॉसस मैंने कहा था कि ये सॉफ्ट पैलेट का मसल भी है और ये वहाँ से फेरेंजियल प्लेक्सिस से इनर्वेशन लेता है। ठीक हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। और दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो टंग से पूछा जाता है वह टंग की इनर्वेशन है। जो टंग की इनर्वेशन है, इनर्वेशन समझने के लिए मैं टंग के तीन पार्ट कर रहा हूँ, इंटीरियर टू थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड और इसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट जो पार्ट एपिग्लॉटिस से आगे बढ़ा हुआ है। ठीक हो गया, तो ये पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट हो गया, ये इसका पोस्टीरियर वन थर्ड हो गया और इसका एंटीरियर टू थर्ड हो गया। जो एंटीरियर टू थर्ड, पोस्टीरियर वन थर्ड और पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, इनकी हमने क्या देखनी है, इनकी हमने जनरल सेंसरी या सोमैटिक सेंसरी और हमने स्पेशल सेंसरी नर्व फाइबर देखने हैं। ठीक है, या सेंसरी इनर्वेशन देखनी है। तो पहले मैं आपको टेबल से दिखा देता हूँ, तो ये आपने यहाँ से देखना है, यहाँ से आपको नजर आता है डायग्राम। आई थिंक एटलस में इतनी अच्छी डायग्राम नहीं बनी हुई तो हम इसी को देख लेते हैं। एंटीरियर टू थर्ड हो गया, इसके साथ पोस्टीरियर वन थर्ड, इसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। ठीक है, तो जो एंटीरियर टू थर्ड पे जो जनरल सेंसरी वाली नर्व वो होगी लिंगुअल नर्व, लेकिन जो स्पेशल सेंसरी होगी वो होगी कॉर्डल टिम्पनाई। तो ये फ़र्क आपको एंटीरियर टू थर्ड में देखने को मिलता है, जबकि पोस्टीरियर वन थर्ड में जो नर्व होती है जो जनरल सेंसरी इन्फॉर्मेशन और स्पेशल सेंसरी इन्फॉर्मेशन दोनों कैरी करती है वो होती है ग्लोसोफेरेंजियल। और जो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट, वो पार्ट जो एपिग्लॉटिस से एंटीरियरली पड़ा हुआ है, एपिग्लॉटिस को इंक्लूड करता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट। वहाँ पे होती है इंटरनल लैरिंजियल नर्व। तो इंटरनल लैरिंजियल नर्व, ठीक है, तो वो स्पेशल सेंसरी और जनरल सेंसरी दोनों इन्फॉर्मेशन को लेती है। तो पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट पे आपने इंटरनल लैरिंजियल नर्व, पोस्टीरियर वन थर्ड पे ग्लोसोफेरेंजियल और एंटीरियर टू थर्ड पे आपने कॉर्डल टिम्पनाई और लिंगुअल नर्व आपने लिखना है। अब टंग की जो आपको जो होती है इसकी जिसकी लिम्फैटिक ड्रेनेज, तो लिम्फैटिक ड्रेनेज को आपने यहाँ से इस डायग्राम से कवर करना है। ठीक है, अब हमने कहा था कि जो टंग के तीन पार्ट होते हैं, एक टंग की अपेक्स होती है, टंग की मेन बॉडी होती है और एक टंग का रूट होता है जहाँ से वो अटैच होती है। ठीक है, तो ये टंग का पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट रूट होगा, इसकी एक अपेक्स होगी और इसकी एक मेन बॉडी होगी। तो इसका पोस्टीरियर मोस्ट पार्ट होगा या रूट वाला पार्ट होगा तो उसका लिम्फ जाता होता है सुपीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड के जरिए। ठीक है, फिर इसकी बॉडी की बात करते हैं, तो बॉडी को मैंने दो में डिवाइड कर दिया, इसका एक मीडियन पोर्शन और इसका लैटरल पोर्शन। तो लैटरल पोर्शन का जाता है सब मैंडिबुलर लिम्फ नोड में। ठीक है, और जो इसका मीडियन पोर्शन है वो जाता होता है इन्फीरियर डीप सर्वाइकल लिम्फ नोड में। तो ये वाले आपने अच्छी तरह इनको हाईलाइट कर लो, ये एग्जाम के अंदर आते हैं। जबकि एपेक्स वाला और फिरानुलम ऑफ टंग, उसका लिम्फ जाता है सबमेंटल लिम्फ नोड में। अब इनकी डायरेक्शन को देख लेते हैं, जो रूट वाला था, रूट वाले का जाता है बाइलैटरल। ठीक है, दोनों में जाता है, मिसाल के तौर पर लेफ्ट साइड का होता है वो लेफ्ट साइड में भी जाता है, राइट वाले में भी जाता है, तो आपको बाइलैटरल देखने को मिलते हैं। जबकि इसका जो मीडियन पोर्शन है, मीडियन पोर्शन, वो आपको कॉन्ट्रालैटरल देखने को मिलता है। जबकि लैटरल पोर्शन का आपको इप्सी लैटरल, तो ये बाइलैटरल, ये कॉन्ट्रालैटरल, इप्सी लैटरल और ये वाला भी आप कह सकते हो बाइलैटरल। तो ये इसकी लिम्फैटिक ड्रेनेज आपने इस तरह से तैयार करनी है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक करना और चैनल बनाइए तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।